साथियों, आज हम आपके लिए विषय ले आकर आए हैं गुणा और भाग की मिश्रित गणना। साथियों, आप लोगों ने हमसे मांग किया था कि गुणा और भाग एक साथ रहे तो उसका उत्तर हम बहुत जल्द कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुणा और भाग की मिश्रित गणना हम कैसे करते हैं। जैसे कुछ प्रश्न ले लेते हैं, 473 गुणे 474 बटे 477। ये देखिए, 473 और गुणा 474 और बटे 477, इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है। तो हम इसको सरलता से एक ही पंक्ति में कम समय में कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। ध्यान देंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले 477 हर में है, उसको हम हर का 477 पहले लिख देते हैं। इतना समझ आ गया होगा, जो हर में है वही उत्तर के भी हर में होगा। सेकंड बार में हम क्या करते हैं, ये 477 से ये कितना कम है ये देख लेते हैं। 477 से जितना कम है, चार कम है और कम है इसलिए इसमें ऋण का चिन्ह डाल दिए। 477 से 474 कितना कम है ये देख लेते हैं, बीच में दोनों का गुणा है और यहाँ भी हम तीन डाल दिए। इतना समझ आ गया होगा। अब उसके बाद दोनों का हम गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा, है ना। और उसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 कम है दोनों तरफ। कितने कम है, 7 कम है, तो 477 में से 7 कम कर देंगे। तो 7 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 470। अब ये दोनों का गुणा कर देंगे तो 470 4 × 12 बटे 477, इस प्रकार से उत्तर हमारा प्राप्त होगा। इसको मैं इधर लिख देता हूं, ये बराबर 470 और 4 × 12 होगा 12 बटे 477, ये हमको उत्तर प्राप्त होता है। बहुत ही सरल है। कोई और दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, 322 गुणे 324 बटे 328। इस प्रकार से हमारा अगर प्रश्न है तो हम इसको बहुत ही आसानी से कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान रखना। प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखेंगे 328 से 328 हम पहले लिख दिए, हर का हर में लिख देते हैं 328। दूसरे बार में ये देखते हैं 328 से कितना कम है, 6। ये कितना कम है, 4। 6 और 4 कितना हुआ, 10। 10 में से 10 को 328 में घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 318। जितना कम है उसको हम घटा देते हैं और घटाने के बाद यहाँ लिख दिए 318। अब ये देखेंगे यहाँ कितना कम बताए थे अपन, 6, और यहाँ कितना कम है, 4। तो 6 और 4 का गुणा कर देते हैं, तो 6 और 4 का जब गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, 24। 6 × 24 आ गए हमारा उत्तर। इसी प्रकार से और प्रश्न देखते हैं, 526 गुणे 528 बटे 529। ये देखिए प्रश्न आपके सामने है, सरलता से समझेंगे, ध्यान देकर समझेंगे। सबसे पहले हम हर को जीव करके लिख लेते हैं। क्या करते हैं, हर को जीव करके लिख लेते हैं, क्या होगा, 529। हर को लिख लिए, हर को लिखते हैं 529 है तो 529 लिख लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, 529 से कितना कम है
तो तीन कम है और ये कितना कम है, एक कम है, तो तीन और एक कितना हुआ चार। तो इस चार को 529 से घटाएंगे चार तो हो जाएगा 525, कितना हो जाएगा 525, है ना। तो 525 यहाँ हुआ। अब उसके बाद यहाँ तीन कम है, यहाँ एक कम है, तो तीन और एक को गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा तीन। साथियों ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा जितने भी प्रश्न हैं, और इस प्रश्न को बहुत ही सरलता से किस प्रकार से हल करें ये हम आपको बताने का पूरा भरसक प्रयास किए हैं। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, है ना, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अब ये प्रश्न को कैसे बहुत ही सरलता से हम हल कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई भी प्रश्न ले लेते हैं, 224 × 226 × 228। प्रश्न ले लिए, अब इस प्रश्न को लेने के बाद हम बहुत ही सरलता से कैसे हल करें ये बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। एक ही पंक्ति में कम समय में कैसे हम उत्तर ज्ञात करते, तो सबसे पहले मैं बताया था इसमें कि जो हर होता है उसको चुपचाप जैसे के तैसे लिख लेना है। 228 कितना हुआ, 228। अब उसके बाद ध्यान में रखेंगे 228 से कितना कम है ये देख लेते हैं। 228 से चार कम है, ये कितना कम है, दो कम है, तो चार और दो को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा छः। छः को 228 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 222, कितना होगा 222। कितना समझ आ गया होगा, जितना कम है उसको जोड़ करके हम इसमें से कम कर देते हैं, तो यहाँ चार कम है और यहाँ दो कम है, तो चार और दो छः हुआ। उस छः को हम 228 से कम कर दिए तो बचे हमारे पास कितना 222। अब जो कम है उसका हम ऊपर से गुणा करेंगे, यहाँ चार कम है और यहाँ कितने कम है, दो कम है, तो चार गुणित तो बराबर कितना हो जाएगा आठ। ये देखिए आपको उत्तर कितना सरलता से सटीकता से प्राप्त होता है। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, 332 × 334 / 335। प्रश्न आपके सामने है, समझ भी आ रहा होगा और बहुत ही सरल करते कि हम गुणा और भाग को एक ही साथ कैसे हल करें। सबसे पहले मैं बताया था जो हर है उसको जो करते उतार लेते हैं 335। अब उसके बाद 335 से कितना कम है, तीन कम है, ये कितना कम है, एक कम है, और तीन एक को जोड़ेंगे चार हुआ, चार इसमें घटा देंगे, घटाइए 335 में चार घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 331। अब जितना कम है उसका गुणा कर देंगे, यहाँ कितना कम बताया था तीन और यहाँ कम कितने कम है एक, तीन गुणित एक बराबर कितना हो जाएगा तीन। आ गए हमारे उत्तर। साथियों एक प्रश्न और देखिए, 428 × 426 × 429। साथियों प्रश्न देखते रहिए और बहुत अच्छे से समझिए, वीडियो पूरा देखिए, इसमें हर जो है 429 इसको हम जो करते हो लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं 429 से 428 कितना कम है एक, और यहाँ कम कितना कम है तीन, तो तीन एकम तीन दोनों गुणा कर दिए। अब दोनों जोड़ेंगे तो तीन और एक चार हुआ, तो चार इसमें से कम कर देना है तो कितना होगा 429 में से चार करेंगे कम करेंगे तो 425। इस प्रकार से 425 से ही 3/429 हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। साथियों ये वीडियो अगर अगर आपको पसंद आए हैं तो YouTube पर जाकर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके
इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।